राजधानी भोपाल में नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यालय के पास एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मिलकर शिवराज सरकार का पुतला दहन किया है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि सरकार उनको प्रमोशन नहीं दे रही है और 3 साल से उनकी परीक्षाएं नहीं करा रही है, जिससे वह डिप्रेशन में आ चुके हैं और उनके पास अब पैसा भी नहीं है। छात्र छात्राओं का कहना है कि सरकार हमें प्रमोशन दे और हमारी परीक्षाओं को कराए, क्योंकि वह लोग अब परेशान भी हो चुके हैं और अब उनके पास फीस जमा करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। छात्र छात्राओं ने कहा कि सरकार ने अगर हमारी मांगों को जल्दी नहीं माना तो वह पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के लाखों नर्सिंग के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो चुका है। छात्र छात्राएं पूरी तरह से परेशान है, हताश हो चुके हैं। उनकी पिछले 3 सालों से परीक्षाएं नहीं हुई। हम मांग करते हैं शिवराज सरकार से तत्काल उनकी परीक्षा आयोजित करवाएं, और अगर चिकित्सा शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा है मध्य प्रदेश सरकार से, तो चिकित्सा शिक्षा विभाग को तत्काल बंद कर दें और मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री को भी नैतिकता के तौर पर अपना इस्तीफा दे जाना चाहिए, क्योंकि जब छात्र छात्रा अपनी मांगों के लिए आवाज उठाता है तो उसको जेल भेज देते हैं, ये कोई सही तरीका तो नहीं। और छात्र छात्राएं लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं 3 सालों से, आखिर वो क्यों ध्यान नहीं दे रहे? आज उनकी वजह से लाखों छात्र छात्रों का भविष्य आधार में अटका, तो इनके भविष्य की जिम्मेदारी किसकी है? और मध्य प्रदेश के छात्र छात्राएं लगातार पूरी तरह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि 3 साल हो गए, 3 सालों से उनकी परीक्षा नहीं हुई, लाखों रुपए फीस भरने के बाद भी उनकी परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है। तो यह मैं मांग करता हूँ कि शिवराज सरकार तत्काल परीक्षा आयोजित करवाएं और विश्वास सारंग तत्काल अपना इस्तीफा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।